गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछले लेक्चर में हाइड्रोस्टैटिक्स चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, हाइड्रोस्टैटिक्स, और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग समझ चुके थे, जैसे कि मेटल के बारे में पढ़े थे और बताए थे जैसा कि मेटल में तीन पार्ट होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज हम लोग चैप्टर का नाम जानेंगे डायनामिक्स, ये हाइड्रोस्टैटिक्स के चैप्टर का नाम जानेंगे, और इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मास क्या है, वेट क्या है, डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक डेंसिटी क्या है, मीन डेंसिटी क्या है, डेंसिटी एट ए पॉइंट क्या है, और इस तरह से चीजों को आगे पढ़ते हुए, और फिर रिलेशन बिटवीन डेंसिटी कैसा बिहेवियर करता है होमोजीनियस और हेटरोजीनियस के साथ में, और साथ ही ये जो हमारा चैप्टर होगा ये हमारा डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जाना जाएगा। तो जैसे हम आपको बताए थे और हम लोग जानते भी हैं, क्लास 8 से भी जानते हैं कि मीटर तीन भाग में वो डिवाइड हुआ था हम लोगों का। अब जो हमारा आगे आने वाला है ये डेंसिटी के बारे में हम लोग जानेंगे और वेट के बारे में हम लोग जानेंगे और मास के बारे में जानेंगे, तो वो सारी चीजों को आइए हम लोग लिखते हैं सुनियोजित ढंग से और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम लिख दें, देन सिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास, द क्वांटिटी ऑफ मीटर कंटेन इन बॉडी इज कॉल्ड मास। वेट के बारे में, द मास विथ अंडर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी इज कॉल्ड डेंसिटी। द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड density of body, it is denoted by a Greek letter rho, and rho is equal to mass per unit, where m be the mass of volume V.
बात समझ गए, ये हम लोग चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अब आप इसको ऐसे समझिए, यहां समझिए ये बॉडी है, देख पा रहे होंगे ये बॉडी है, बॉडी में मैटर होगा। कल जो मैटर के बारे में हम बताए थे कि तीन अवस्था में होता है, थ्री स्टेट में होता है, तो वो उस बॉडी में जो मैटर का क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन बॉडी, ये आप जो देख रहे हैं मैटर, ये जो क्वांटिटी होगा यही आपका मास कहलाएगा। मास समझ में आ गया, कल हम आपको मीटर के बारे में बताए थे। अब वो जो मीटर जिस क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी में किसी बॉडी में होगा, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है और इसमें मीटर, ये देखिए मीटर अंदर, समझ में आ रहा है, तो जिस क्वांटिटी में मीटर होगा वो उसका मास कहलाएगा। अब यह जब एक्शन ऑफ ग्रेविटी के अंदर आ जाएगा, ये मतलब जब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अटैच हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अटैच हो जाएगा, तो यदि इसका मास m तैयार होता है, तो इसके साथ यदि g लग जाए, यानी कि विथ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाए, तो यही आपका क्या बन जाएगा, वेट बन जाएगा। बात समझ में आ गया, यानी कि मैटर के बाद हमको क्या मिलेगा, मास मिलेगा, और मास के बाद हमको क्या मिलेगा, वेट मिलेगा। मास में क्या रहेगा कि क्वांटिटी ऑफ मीटर, और इसके बाद ये ग्रेविटेशनल फोर्स यदि मीटर एम में लग जाए तो वो वेट बन जाएगा। इसलिए आप जानते हुए होंगे कि किसी किसी जैसे चंद्रमा पे यहाँ से वेट कुछ कम होता है, तो वहां अंडर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है मून का, वो कम होता है। बातों को समझ गए होंगे, वेट मास में अंतर समझ गए होंगे। आइए डेंसिटी क्या है, घनत्व, बातों को समझिएगा। डेंसिटी जैसे मान लीजिए अभी हमारा मास तैयार हो गया, अब यूनिट पर मास, यूनिट पर वॉल्यूम। अब ये घनत्व, जैसे जनसंख्या का घनत्व अर्थ पे अधिक होता है, अब आप पानी में चले जाइएगा निग्जिलेबल होता है, तो जहां जहां जैसे कि मार्केट में भीड़ भाड़ इलाके में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जबकि ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या का घनत्व कम होता है। बातों को समझ गए होंगे, घनत्व को कैसे देखना है अभी ये बता देते हैं। दो तरह का चीज आएगा इसमें, ये समझता, ये जो आपका मिक्सचर आएगा वो दो तरह का मिक्सचर आएगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखिए जो चीजों को आप घनत्व में अधिक पाएंगे और सेपरेट नहीं कर पाएंगे, उन दो चीजों को घनत्व यानी कि क्षेत्रफल में और उसके प्रेजेंट, किसी सब्सटेंस के प्रेजेंट होने में, तो वो आप समझ जाएंगे कि होमोजीनियस है, और यदि अलग कर सकते हैं तो हेट्रोजीनियस है। साफ शब्दों में समझ लीजिए, यदि पतला है तो वो हेट्रोजीनियस की तरह समझिएगा जिसको अलग कर सकते हैं, और यदि वो घनी आबादी के तौर पे है तो हेट्रोजीनियस है। और समझने के लिए समझ लीजिए, जैसे ये वाटर है और इसमें चीनी हम डाल रहे हैं, तो देखिएगा चीनी हम डालें, समान रूप से ये मिक्सर में डाल रहे हैं, ये समान रूप से कंटेनर था, उसमें पानी था, और उसमें ये जो चीनी डाले हम वो समान रूप से डाले, तो ये आपका होमोजीनियस कहला जाएगा, होमोजीनियस कहला जाएगा। क्लियर है? इसके बाद यदि ये कंडीशन ऐसा बन जाए, ये पानी है मान लीजिए, और ये ऐसा ही देते हैं, अब चीनी हम डाल रहे हैं इसमें, देखिए यहाँ चीनी का घनत्व अधिक है, यहाँ थोड़ा देखिए कम है, यहाँ निग्लिजिबल है ना, तो ये आपका हेट्रोजीनियस कहलाता है। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब ये बातों को आप समझ चुके होंगे। अब आइए हम लोग वेट के बारे में जान गए, डेंसिटी के बारे में क्या है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, एम बाय वी, मास पर यूनिट, पर यूनिट वॉल्यूम, समझ में आ गया होगा, जहां एम बी द मास ऑफ द वॉल्यूम भी। क्लियर है?
चलिए आते हैं अब इसके पॉइंट डेंसिटी के बारे में। ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्लियर होगा। Actually, the density, point density, actually the density, actually the density of point of the substance expressed as limit डेल्टा भी टेंडिंग टू जीरो डेल एम बाय डेल बी। ये बातों को समझिए। जैसे मान लीजिए ये सबस्टांस है आपका, ठीक है, और इस सबस्टांस में कोई चीज आपका पड़ा हुआ है, ये मान लीजिए पानी है। अब ये एक पॉइंट ले लीजिए, अब इस पॉइंट के आसपास की डेंसिटी क्या होगी, बातों को समझ रहे होंगे। पॉइंट डेंसिटी, इस पॉइंट के आसपास उस पानी का घनत्व क्या होगा या किसी लिक्विड का घनत्व क्या होगा, तो वही चीज को हम बताना चाह रहे हैं। तो ये जो आप सबस्टांस लिए वो सबस्टांस बहुत कम लिएगा, कम कम को डिनोट किए डेल्टा एम से। अच्छा, इसका कुछ तो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, तो वो जो आयतन को डिनोट किए वो डब्लू डेल्टा बी से डिनोट किए। तब यदि इसका हम निकालना चाहेंगे डेंसिटी, तो डेल्टा एम बाय डेल्टा बी, वेयर डेल्टा बी टेंडिंग डेल्टा एम बाय डेल्टा बी, वेयर डेल्टा बी टेंडिंग टू जीरो। और ये चीज को आप डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं डी एम बाय डी बी। समझ गए होंगे बात को। द एवरी पॉइंट डेंसिटी इज डिनोटेड इज डेंसिटी ऑफ होमोजीनियस होमोजीनियस सबस्टांस डेल्टा एम इज इक्वल टू सॉरी रो इज इक्वल टू डेल एम बाय डेल बी। बात समझ गए होंगे, चीजों को समझ लीजिए। ये चीज जो आपको एक्स एक्सिस समझते थे, ये डेल डी बी के डेल बी से हम डिनोट करेंगे और ये डी एम से डिनोट करेंगे। तो आप लोग जानते थे जैसे कि डी एम डी वाई बाय डी एक्स लिखते थे, तो या फिर जब इसको डेल बना देते थे तो ये नीचे वाला चीज टेंडिंग टू जीरो यूज करते थे हम लोग। तो बात समझ गए होंगे, डेल एम बटे डेल बी। ये चीज जो आप देख रहे हैं वो फिगर में आपको यहां दिख गया। चलिए आइए, अब हम लोग कुछ चीजों को लिख लें, नोट को।
मीन डेंसिटी लिख लेते हैं, मीन डेंसिटी, मीन डेंसिटी लिख लेते हैं तो इसके बाद में चलिए नोट ही लिख लेते हैं। इफ एन बी द मास ऑफ डेंसिटी रो ऑफ वॉल्यूम बी ऑफ होमोजीनियस सबस्टांस देन द मास ऑफ होमोजीनियस सबस्टांस m is equal to rho b, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है, rho is equal to capital m by capital b लिख सकते हैं, यदि मास m हो जाए, capital m हो जाए, और उसका मास वो वॉल्यूम भी हो जाए, तो rho density is equal to m भी लिख सकते हैं, इन चीजों को हम लिख सकते हैं, rho b is equal to m, अच्छा ये होमोजीनियस का वेट मान लिए हैं, मास मान लिए हैं, if m be the mass of density rho of volume V of homogeneous substance, then the mass of the homogeneous substance m is equal to rho V. Clear है? दूसरा, m by V is the मीन डेंसिटी, मीन डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस, ये क्या है, मीन डेंसिटी है, बात समझ रहे होंगे, बीच का मीन डेंसिटी ऑफ सबस्टांस। तीसरा, सबस्टांस ऑफ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सबस्टांस यूज कर देते हैं, होमोजीनियस सबस्टांस यूज कर देते हैं, होमोजीनियस होमोजीनियस सबस्टांस, चलिए यूनिफॉर्म का काम करते हैं। द The homogeneous substance density of the density of homogeneous substance terms is uniform. Fourth number, the density of heterogeneous substances is variable,
बात समझ गए होंगे। होमोजीनियस सब्सटेंस जो है उसमें जो चीज मिलेगा उसमें, जैसे समझिए मार्केट में जो आदमी होगा उसकी जनसंख्या यूनिफॉर्म होगी। हेटरोजीनियस मतलब कि कहीं ज्यादा कहीं कम होगी, यानी कि वो वेरिएबल होगा, चेंज होगा जगह जगह पर। समझ में आ गया? अभी तुरंत बताए थे फिगर में भी, ठीक है। चलिए अच्छा ऐसे भी समझे, जब होमोजीनियस होगा यूनिफॉर्म रहेगा ना, यहां से वहां एक जैसा रहेगा, तो बताइए मीन कहीं पे निकालेंगे? मीन निकालने का तो मतलब आप समझते होंगे, जब मीन निकालेंगे हर जगह तो समान होगा कि नहीं। और हेटरोजीनियस होगा तो कहीं ज्यादा कहीं कम, तो मीन उसका सेम नहीं होगा। तो वो चीजों को भी लिख लें, पांच हो गया है, चार पांच नंबर लिख देते हैं। द मेन डेंसिटी ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस इज सेम ऑफ द देन सिटी ऑफ density of mean density of homogeneous substance is the same of the density of homogeneous substance, ठीक है। उसी तरह से the mean density of the substance mean density of the substance is not same of the heterogeneous density of the substance। बात समझ गए होंगे कि मीन जो है हेटरोजीनियस में बराबर मीन वाला डेंसिटी के बराबर नहीं होगा, जबकि होमोजीनियस में बराबर होगा। दैट इज करके इसको अच्छे से लिख देते हैं। समझने के लिए लिख देते हैं यहां पर ऐसे, मीन density is equal to density of homogeneous substance। homogeneous substance है तो उसका mean बराबर होगा। अब इसको mean डेंसिटी आप निकालेंगे, मेन डेंसिटी निकालने सीख गए होंगे, जान गए होंगे कि एम बटे बी करना है। नहीं बराबर होगा डेंसिटी ऑफ हेटरोजेनियस सब्सटेंस। कोई दिक्कत नहीं ना? आप समझिए, अब इसके बाद समझ लीजिए। देखिए एक चीज और सिखाते हैं, आप जानते भी हैं पहले, सारा चीज आप पहले से जानते हैं, इसमें एकदम छोटी छोटी चीज है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये चैप्टर के बारे में आप पहले से जानते हैं, बस थोड़ा थोड़ा इसको मॉडिफाई करना है। अब आप ये चीजों को समझिए, आप लूडो के गोटी को देखे होंगे, जो बड़ा वाला होता है, डाई जिसको कहते हैं, तो उस तरह वो उसका वन क्यूबिक हो जाए, यदि वन 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 हो जाए और उसमें द मास ऑफ वाटर उसमें डाल दें, उतने बड़ा में, उतने बड़ा एक गोल टाइप का कंटेनर छोटा सा ले लें, आप गोटी समझ रहे हैं, और उसमें जब हम वो डाल दें, वाटर डाल दें,
और वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब डाला हुआ रहे तो वो 1 ग्राम कहलाएगा, वो 1 ग्राम कहलाएगा। बात समझ गए? तो आप ऐसे समझ लीजिए कि द मास ऑफ पर यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 ग्राम। बात समझ गए होंगे? इस चीजों को आप फिगर से भी याद रख लीजिएगा, ये आप समझ लीजिए, ठीक है? ठीक है, क्लियर समझ गए होंगे? ये 1 है, ये भी इधर 1 है और ये भी 1 है, और इसमें जो है 1 ग्राम वाटर होगा, 1 ग्राम वाटर होगा, और फिर ये एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो ये समझ गए होंगे आप, क्लियर? ठीक है, अगले दिन फिर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और इसके डेंसिटी के बारे में और स्पेसिफिक डेंसिटी के बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, नोट्स बनाइए, कम है आज, कल वाला कुछ ज़्यादा था, बड़ा था, आज थोड़ा कम है, तो नोट्स रेगुलर बनाया कीजिए और नोट्स बना लीजिए, इसके बाद फिर फ्रिक्वेंसी के साथ आएंगे, एक क्लास में इसी तरह का कुछ और कम देंगे और इसके बाद फिर हमारा थ्योरम आएगा, पूरा लैंग्वेज रहेगा, नोट्स नहीं बनाइएगा कुछ याद नहीं रहेगा, इसलिए नोट्स जरूर बना लिया।